सेकेंड ईयर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, 3.1 कंप्लीट हो चुकी थी, आज 3.2 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, ये सी मैट्रिक्स, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है ए प्लस बी, फर्स्ट ए प्लस बी फाइंड करना है अपने को। ये योग बताया था, दो मैट्रिक्स का योग हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। अब ए प्लस बी मान लेते अपन को सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स इक्वल, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स के ऐड संगत अवयव जुड़ते हैं, 2 + 1 यहाँ पे आएगा, 4 + 3 संगत अवयव जुड़ रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, 3 + -2 2 + 5 नया मैट्रिक्स मिलेगा अपने को। तो सी मैट्रिक्स इक्वल क्या होगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 कितना बचेगा, 1, 2 + 5 7। तब मैंने जो नया मैट्रिक्स मिल गया ए प्लस बी, क्या मिला, ए मिल गया। अब इसी तरह ए माइनस बी करेंगे, इसी तरह 3a - c, तो मैं इन दोनों में से एक बता देता हूँ, थर्ड बता देता हूँ, ये कर लेना, बहुत आसान है। इसमें ए माइनस सी करेंगे, ए माइनस बी कर लेना, बस 3a है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखो थ्री ए माइनस सी, तो पहले 3 निकाल लेते हैं, 3a इक्वल, a क्या है, 2 3 4 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इक्वल क्या आ गया अपने पास, जो 3 है ये कॉन्स्टेंट है, अदिश राशि है। तो बताया था कि अदिश राशि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो प्रत्येक अवयव से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 3 को अंदर करेंगे तो 3 × 6 4 3 12 3 3 9 और 3 × 6, ये मैट्रिक्स मिलेगी अपने को 3a। अब निकाल दे 3a - c, 3a की जगह रख देंगे ये वाली मैट्रिक्स, 6 9 12 6। सी अपने को मैट्रिक्स दी हुई है, इसको अपन को डी मैट्रिक्स मान लेते हैं, है ना, ए बी सी दे रखी है अपने को, तो डी मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, कोई तो 3a - c - 3a तो ये हो गया, सी की वैल्यू क्या है, सी मैट्रिक्स -2 5 3 4 -2 5 3 4। अब सॉल्व करते हैं, 3a - c इक्वल 6 - -2 12 - 5 9 - 3 6 - 4, ये मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, 3a - c इक्वल 6 - -2, तो 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, 12 - 5 कितने बचे, 7, 9 - 3 कितने बचे, 6 6 - 4 2। 3a - c अपने पास क्या मैट्रिक्स आ गई, ये वाली मैट्रिक्स आ गई, 8 7 6 2, ये मैट्रिक्स ई मान लिया अपन ने, कोई क्या है, 3a - c इक्वल 8 6 7 2, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 की है, ये जो अपन को गिवन थी ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स थी। ये हो गया, ये कर लोगे, इसी की तरह a - b करना है,
ठीक है। अब आता है फोर्थ, ए इंटू बी, और फिफ्थ क्या है, बी इंटू ए। तो इन दोनों में से एक बता देता हूँ, एक आप कर लेना, तो ये बता दूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, ए इंटू बी, फोर्थ है ए बी, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल, ए क्या है, टू थ्री फोर टू, टू बाई टू का मैट्रिक्स है। बी क्या है, वन माइनस टू थ्री फाइव, ये भी टू बाई टू का है। इसका एन, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियाँ बराबर है, दो स्तंभ है दो पंक्तियाँ हैं बराबर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ए बी फाइंड करते हैं, इसकी पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली पंक्ति के अपने को अवयव मिल जाएंगे। पहले करते हैं, टू को मल्टीप्लाई करते हैं वन से, टू मल्टीप्लाई वन प्लस फोर मल्टीप्लाई माइनस का टू, पहला अवयव मिल गया। अब दूसरा वो के लिए पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करते हैं टू इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव, फोर इंटू फाइव। अब सेकंड पंक्ति के लिए आते हैं, अब हो गया और कॉलम नहीं है, और तो हम यहाँ तक ही रुकेंगे। अब लाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पंक्ति में सेकंड पंक्ति और फर्स्ट कॉलम, तो ये अपने को ये वाला व्यव मिलेगा, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस के टू, ठीक है। इधर आते हैं, थ्री इंटू थ्री, सेकेंड पंक्ति सेकेंड कॉलम, थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू फाइव, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत कर देना, इस एक से ही पूरी को मल्टीप्लाई नहीं करना, संगत अवयवों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है, ये याद रखना। अब ए बी क्या होएगा, दो एकम दो, चार दूनी आठ, ये माइनस के आठ है प्लस के दो, कितने बचे, माइनस के सिक्स, तीन दूनी छः, पाँच चौक बीस, ये प्लस के छः प्लस के बीस छब्बीस, तीन एकम तीन, दो दूनी चार, ये माइनस के चार ये प्लस के तीन, ये नौ प्लस दस, तीन तीन नौ, पाँच दूनी दस। तो अपने को ए बी क्या मिल गया, टू बाई टू का मैट्रिक्स मिल गया, माइनस सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस वन उन्नीस। बी ए फाइंड करवाया, बी ए निकाल लेंगे इसी तरह, जिस तरह ए बी निकाला उसी तरह बी ए निकाल लेंगे। अगर ये बी ए नहीं आता आपसे, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा ये बी ए, ठीक है, हम इसको फिर पढ़ लेंगे बी ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अपने को दे दिया एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, बीच में प्लस साइन दे दिया, तो पहले इसको सोल्व करना है। इसके चार पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, तो मैं एक तो ये बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, बाकी दो आप करना, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से बता दूँगा उनको, ठीक है। अब इसको करते हैं, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, दोनों का ऐड करेंगे, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए, ये पहला व्यू आ गया, दूसरा बी प्लस बी, तीसरा माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए, ठीक है, ये हमने ऐड किए इनको। अब a प्लस ए क्या हो जाएगा, टू ए, बी प्लस बी टू बी, माइनस बी और प्लस बी कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, और a प्लस ए टू ए, ये मैट्रिक्स अपने को नहीं मिलेगी। ये दो मैट्रिक्स दे रखी थी, दोनों को आपस में ऐड करना था, ठीक है, सिंपल था, एडिशन था। अब आता नेक्स्ट, इसका सेकंड करते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का सेकंड है। ये मैट्रिक्स दे रखी कोई हमें टू बाई टू की,
दूसरी मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का पहला तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा एक है, ये भी पूरा एक अवयव है, ये भी पूरा एक अवयव है, ये भी पूरा एक अवयव है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स एडिशन के बाद क्या मिलेगी हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें ऐड करना है क्या है, 2ab प्लस 2ab, ये पहला मिल गया। दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड क्या करना है, 2bc, 2bc आ गया। तीसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड क्या करना है, माइनस 2ac, माइनस का 2ac। चौथी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। अब इनसे कुछ समझ आ रहा है, ये एक इक्वेशन होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है अपन ने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और पढ़ी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ये चारों इक्वेशन इसमें दिख रही हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, इनसे हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए क्या कर दिया ना अपने, इसको एक इक्वेशन और लिख देते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये इक्वेशन क्या होगी, बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac क्या होगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या इक्वल होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी 2x2 की, ये मिलेगी ऐड करने के बाद। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला अवयव, दूसरा अवयव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab दोनों को ऐड किया तो हमें ये मिला। अब तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन और हैं, मैं उन्हें लिखता हूँ और उन्हें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मेरे से पूछना दोबारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है जैसे वैसे जो दो क्वेश्चन ऐड किए हैं इसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐड किया है, ऐसे ऐड करना है। इधर क्या है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है दोनों, तो इनको भी ऐड करना है। तो मैं ये बता देता हूँ, है बहुत आसान, आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया तो पता नहीं क्या आ गया, तो मैं ये एक बार सोल्व करके बता देता हूँ आपको ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ये और साइन स्क्वायर एक्स ये ऐड हो गया, संगत अवयव दूसरे का क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा इसके साथ, इधर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये पा उसमें त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे काम आएगा। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, क्या है, एक हो गया,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी एक हो गया। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी एक हो गया। यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक हो गया। ये तो पता है नहीं कब होता है एक, ये दोनों जो थीटा है इसके ये सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो तब भी एक होगा, तब नहीं होगा एक। ये थीटा सेम होना चाहिए और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होना चाहिए, तब एक होता है। ठीक है, ये हम फिर पढ़ेंगे समाकलन में इनके, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बारे में पूरा। ठीक है, तो हमें जो नई मैट्रिक्स है ये 1 1 1 1 मिल गई, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, सिंपल थी बहुत। ये उससे भी सिंपल है, सीधा ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप करना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देंगे, फिर से पढ़ेंगे अपन। अब बताए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्दर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई में दिया गया, यहाँ भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में दिया गया, यहाँ भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में दिया गया। ये 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, तीन यहाँ पे हैं, तीन नेक्स्ट बताएंगे, तो इन तीनों में से मैं एक बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, 3 बाई 1 का है, 1 बाई 3 है। इसका ये, इसके कॉलम और इसकी पंक्ति समान है, एक कॉलम है एक पंक्ति है। ठीक है, ये वाला है क्या है, 2 बाई 2 का है और ये 2 बाई 3 का है। इसके कॉलम दो, इसकी पंक्तियाँ दो, तो मल्टीप्लाई संभव है, इसका भी संभव है, इसका भी संभव है। सेकंड बता देता हूँ एक बार, ठीक है, इस दोनों आप करना। ठीक है, सेकंड बताता हूँ मैं, 1 2 3, 3 बाई 1 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई होगा 2 3 4 से। पहली पंक्ति पहला कॉलम, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं सी, दोनों का मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति पहला वो कॉलम 1 इंटू 2, पहली पंक्ति में और अवयव नहीं है ना ही पहले कॉलम में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। देखो क्या मिलेगा अपने को, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स मिलेगी इससे अपने को। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 इंटू 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 इंटू 3, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 2 इंटू 4, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 इंटू 2, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 3 इंटू 3, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। ये अपने को नया मैट्रिक्स मिलेगा इनका मल्टीप्लाई, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ओनली, ऐड नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एक पहली पंक्ति में भी एक अवयव, दूसरी में भी, तीसरी में भी, पहले कॉलम में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, सभी में एक एक अवयव थे। इसमें क्या है, पहली पंक्ति में 2 हैं, पहले कॉलम में 2 हैं, तो आपस में ऐड भी होंगे। ठीक है, ये कर लेना। अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से एक बता देता हूँ ना, ये थर्ड क्वेश्चन के तीन पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो इनमें से एक बता देता हूँ, फोर्थ बता दूँ फिफ्थ या सिक्स्थ, फोर्थ बता देता हूँ, ये आपको बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, फोर्थ है 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 3 बाई 3 का है ये, उस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में 1 0 3, -3 2 0, 5 4 5, ये 3 बाई 3 का है, पंक्ति और कॉलम बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
ये इससे मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, फिर ये ऐड होंगे इसमें ऐसे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। इसी तरह सेकंड, ये फर्स्ट पंक्ति सेकंड कॉलम से होगा, 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। इसी तरह फर्स्ट पंक्ति से थर्ड कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट आता है सेकंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फिर 3 इंटू माइनस का 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। नेक्स्ट 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू माइनस के 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। नेक्स्ट 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। 3x3 का, 3x3 में कोटि का मैट्रिक्स है ये भी। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 3, 4 इंटू 3 2 प्लस 0 प्लस 12, 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 ना 5 इंटू 3 15, 3 इंटू माइनस 3 माइनस के 9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 0 5 इंटू 0, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 1 4 5 इंटू 0 0 6 इंटू 3 18, 4 इंटू माइनस 3 माइनस के 12 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20 प्लस 4 इंटू 5 नहीं 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30। सॉल्व कर लेंगे इससे, 2 प्लस 12 14 माइनस 6 प्लस 6 0 10 12 20 42, ये क्या हो गया 18, ये क्या हो गया माइनस का 1, यहाँ से क्या होगा 15 और 25 40 56, यहाँ क्या होगा 22, यहाँ क्या है माइनस का 2, यहाँ क्या होगा 70। ये हमें मैट्रिक्स मिल गई 3x3 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया लाइन बाई लाइन करते गए स्टेप बाय स्टेप, फिर इनको सोल्व कर लिया, फिर इनको ऐड कर दिया, ये नई मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, तो अब इसके 3.2 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ये इससे भी, इनसे भी आसान है। ठीक है, तो आराम से हो जाएंगे मैं मानता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।